हेलो, वेलकम टू रिजन एच आर एफ क्लासेस। इस चैनल पे यूजीसी नेट की प्रिपरेशन कराई जाती है और अभी इस वीडियो में हम पीवाईक्यूज करेंगे आईसीटी के। और ये जो पीवाईक्यूज हैं ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये सारे 36 शिफ्ट से लिए गए हैं और ये 300 प्लस पीवाईक्यूज हैं, सिर्फ आईसीटी के ही पीवाईक्यूज हैं। ठीक है, तो और हर पीवाईक्यू हर क्वेश्चन का डिटेल एक्सप्लेनेशन इस वीडियो में मिल जाएगा आपको। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस चैनल पे आपको मिलता है वीडियो लेक्चर्स ऑफ पेपर वन एंड पेपर टू, करंट अफेयर्स मिलते हैं वीडियो शॉर्ट्स वीडियो में, और पीवाईक्यूज मिलते हैं पेपर वन और पेपर टू इकोनॉमिक्स के। और जितने भी पीवाईक्यूज यहाँ मैं कराऊंगी, अभी मैंने सीरीज स्टार्ट की है ये, तो आपको इसकी फ्री पीडीएफ मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप जाके उसे ज्वाइन करिए और अब डाउनलोड कर लीजिए उसको। ठीक है, और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। अब हम बढ़ते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर वन, विच मेमोरी इज यूज एज पार्ट ऑफ द प्रोसेसर। तो इनमें से कौन सी मेमोरी एज अ पार्ट ऑफ प्रोसेसर यूज़ की जाती है? तो ये जो मेमोरीज हैं ये हम देख लेते हैं क्या क्या है। हार्ड डिस्क है। देखो, कंप्यूटर की दो टाइप की मेमोरी होती है, एक होती है प्राइमरी मेमोरी और दूसरी होती है सेकेंडरी मेमोरी। ठीक है, प्राइमरी मेमोरीज जो होती हैं उसको वो कंप्यूटर में ही होती है, जैसे रैम हो गया और दूसरा हमारा हो गया रोम। तो ये जो प्राइमरी मेमोरी होती है इसको हम कहते हैं प्राइमरी मेमोरी को हम कहते हैं मेन मेमोरी और इंटरनल मेमोरी ऑफ द कंप्यूटर। ठीक है, प्राइमरी मेमोरी को हम मेन मेमोरी और इंटरनल मेमोरी कहते हैं, जिसमें हमारा रैम और रोम आता है। रैम में भी सब टाइप्स होते हैं, जैसे एस रैम, डी रैम। ठीक है, और रोम में ई प्रोम। ठीक है, ये सारे रोम में आते हैं। सेकेंडरी मेमोरीज वो होती हैं जो एक्सटर्नल मेमोरीज होती हैं, तो इनको हम एक्सटर्नल मेमोरीज भी कहते हैं, ऑक्सिलरी मेमोरी भी कहते हैं, जो परमानेंटली जिनमें डेटा स्टोर रहता है। ठीक है, ये सब इसका मैंने एक्सप्लेनेशन दे रखा है मैं अपनी अलग एक वीडियो में, बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर में। आप जाइए उस वीडियो को देख लीजिएगा, आपको अच्छे से और समझ आ जाएगा। ठीक है, उसका लिंक आई बटन में मिल जाएगा। तो ये जो हार्ड डिस्क है ये क्या है? हार्ड डिस्क इज सेकेंडरी मेमोरी, ये सेकेंडरी मेमोरी में आता है। और रैम अभी हमने पढ़ा प्राइमरी मेमोरी में आता है, और ये जो रोम है ये भी हमारा प्राइमरी मेमोरी में आता है, और ये जो रोम है रजिस्टर्स भी प्राइमरी मेमोरी में और रोम भी प्राइमरी मेमोरी में आता है। ठीक है, तो इसमें से कौन सा प्रोसेसर है जो कि मेमोरी भी है, तो ये बताना है हमें। तो आंसर है इसका थ्री रजिस्टर्स। रजिस्टर्स जो एक प्रोसेसर है जहाँ पे ये मेमोरी की तरह भी काम करता है, क्योंकि यहाँ पे डेटा स्टोर होता है कुछ समय के लिए, और ये यहाँ पर जो डेटा स्टोर होता है उसको मैनिपुलेट करने का काम करता है। ठीक है, इसको हम डिटेल में देखते हैं आगे। हार्ड डिस्क, तो हार्ड डिस्क क्या है? इज़ नॉन वॉलेटाइल मेमोरी। नॉन वॉलेटाइल मेमोरी है, ठीक है। और नॉन वॉलेटाइल मेमोरी ये क्यों है? क्योंकि ये जो रोम है वो सॉरी हार्ड डिस्क है, ये नॉन वॉलेटाइल मेमोरी इसलिए है क्योंकि यहाँ पे जो भी डेटा होता है वो परमानेंटली सेव रहता है। ठीक है, आप अगर कंप्यूटर स्विच ऑफ है तब भी ये इसमें डेटा परमानेंटली स्टोर रहेगा हार्ड डिस्क में। इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कंप्यूटर में पावर ऑन है, कंप्यूटर पावर ऑफ है, हार्ड डिस्क में डेटा स्टोर रहता है परमानेंटली फॉर लॉन्ग पीरियड। आप जब भी चाह सकते हैं वो डेटा को रिट्रीव कर सकते हैं। ठीक है, रैंडम एक्सेस डिजिटल स्टोरेज डिवाइसेस यूज फॉर स्टोरिंग एंड रिट्रीविंग डिजिटल इन्फॉर्मेशन यूजिंग रोटेटिंग डिस्क कोटेड विद मैग्नेटिक मटेरियल। यहाँ पे जो है वो क्या है, एक डिस्क की तरह होता है ये। मैंने अपनी प्रीवियस वीडियोस में ये सबको एक्सप्लेनेशन दे रखा है, आप जाकर उसे देख लीजिए। यहाँ मैंने फ़ोटो ऐड नहीं किया, फ़ोटो में अच्छे से दिख जाता। ठीक है, तो ये हमारा डिस्क है और ये इसका आर्म होता है। ठीक, अब कोई भी डेटा अगर जो स्टोर हुआ है वो सपोज़ यहाँ हुआ है, यहाँ हुआ, यहाँ हुआ, यहाँ हुआ, सिक्वेंशियली स्टोर नहीं होता, कहीं भी स्टोर हो जाता है जाके। अब ये जो डिस्क है, ये जो प्लेटर है, इसको हम प्लेटर बोलते हैं, ये घूमता रहता है। और ये जो आर्म है ये अपनी ये इस मदद से डेटा को क्या करता है, रीड करता है। जो भी डेटा हमने डाला कि हमें ये डेटा चाहिए, मुझे ये वाली फाइल चाहिए, मुझे ये वाली फाइल मैं एक्सेस कर रही हूँ, तो वो
इसकी मदद से वो हमें प्रोवाइड कराता है। रैंडम एक्सेस मेमोरी क्या है? रैम, रैम हमारी रीड एंड राइट मेमोरी है, यानी कि ये जो रीड एंड राइट मेमोरी है, हम क्या करते हैं इसमें, रीड और राइट करते हैं, ठीक है। दिस मेमोरी इज़ इन द फॉर्म ऑफ एन आईसी, आईसी की फॉर्म में होता है। इट इज़ इट एक्ट्स एज अ टेम्प्ररी वर्क स्पेस, टेम्प्ररी वर्क स्पेस यानी कि जो भी डेटा हमारे कंप्यूटर में होता है वो टेम्प्ररी बेसिस पे सेव होता है। जैसे अगर मैंने कंप्यूटर को पावर ऑन किया, मैंने मैं काम कर रही हूँ पावर पॉइंट पे या किसी भी पे मैं काम कर रही हूँ, तो सडनली कंप्यूटर स्विच ऑफ हो जाता है। जब कंप्यूटर स्विच ऑफ हो जाता है तो जो मैं काम करी थी वो मुझे डेटा नहीं दिखेगा जब मैं कंप्यूटर ऑन करूँगी तो, ठीक है। तो वो क्या है, वो रैम है। रैम में क्या होता है, कंप्यूटर परमानेंटली इंफॉर्मेशन या डेटा परमानेंटली स्टोर नहीं होता, वो टेम्परली बेसिस पे होता है। लेकिन जो मुझे, मैं दोबारा से एक्सेस करूँगी पावर पॉइंट को, जब मैं दोबारा से पावर पॉइंट को एक्सेस करूँगी, पावर पॉइंट तो डिलीट नहीं होना है वहाँ से, वो वही है। तो वो क्या है, वो रोम में है, ठीक है। रोम में परमानेंटली रहता है, रैम में टेम्प्रेरी बेसिस पे रहता है डेटा। द डेटा इंस्ट्रक्शन ऑन विच द कंप्यूटर सीपीयू इज करंटली वर्किंग आर कैप्ड इन दिस मेमोरी। इंफॉर्मेशन स्टोर्ड हियर इज लॉस्ट, लॉस्ट हो जाता है जब कंप्यूटर स्विच ऑफ होता है, और ये वॉलेटाइल मेमोरी कहलाती है। ये रहा रैम, ठीक है। रीड ओनली मेमोरी रोम, रोम क्या है हमारा, पता चल गया होगा, रैम के बिल्कुल अपोजिट है, ये नॉन वॉलेटाइल मेमोरी है। इसको फ़र्क नहीं पड़ता कि कंप्यूटर स्विच ऑफ हो या ऑन हो, इसमें डेटा हमारा सेव रहता है। और ये रहा, ये चिप के फॉर्म में होता है। इट कैन बी डिवाइडेड इनटू थ्री कैटेगरीज, तीन कैटेगरीज होती हैं इसकी, प्रॉम, ई प्रॉम, ई प्रॉम, ठीक है। प्रॉम में क्या होता है कि जब भी एक बार अगर डेटा स्टोर हो गया तो वो उसको हम मॉडिफाई नहीं कर सकते। ई प्रॉम में क्या होता है, इरेजेबल प्रोग्रामेबल होता है, ये यहाँ पे इरेज हो सकता है थ्रू अल्ट्रा वायलेट रेज, ठीक है। और ये जो है इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्राम, ये इलेक्ट्रिकली हम इसको इरेज कर सकते हैं और दोबारा से इसमें हम डेटा को स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर टू, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट कंप्यूटर मेमोरी आर ट्रू, इनमें से कौन सा ट्रू है अबाउट कंप्यूटर मेमोरी। तो सेकेंडरी मेमोरी इज स्टोरेज इज नॉन वॉलेटाइल स्टोरेज, सही है, करेक्ट। वीडियो मेमोरी फाउंड इन ग्राफिक्स कार्ड इज वॉलेटाइल, जो वीडियो मेमोरी पाई जाती है ग्राफिक कार्ड्स में वो वॉलेटाइल होती है। जी यस, प्राइमरी मेमोरी इज द फास्टेस्ट फॉर्म ऑफ द मेमोरी इन अ कंप्यूटर। तो प्राइमरी मेमोरी फास्टेस्ट फॉर्म ऑफ मेमोरी है, नहीं, क्योंकि सेकेंडरी मेमोरी भी फास्टेस्ट होती हैं, तो ये करेक्ट नहीं है। इसका करेक्ट आंसर हम देखते हैं, इसका करेक्ट आंसर है 1A and B इज़ अ करेक्ट आंसर, ठीक है। इसको मैंने एक्सप्लेन नहीं किया क्योंकि मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 1 में इसका एक्सप्लेनेशन दे दिया है थोड़ा सा, और अगर और आपको डीपली समझना है इसको तो आप मेरे वीडियोज़ को देख सकते हैं जाके, बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट टाइप ऑफ नॉन वॉलेटाइल मेमोरी वुड मोस्ट लाइकली स्टोर फर्मवेयर लाइक कंप्यूटर्स BIOS। ये कह रहा है कि नॉन वॉलेटाइल मेमोरी किस टाइप की, कौन सी नॉन वॉलेटाइल मेमोरी है जिसमें कंप्यूटर के फर्मवेयर को स्टोर किया जाता है लाइक BIOS। BIOS क्या है, BIOS है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, ठीक है। यहाँ पे जैसे हम कंप्यूटर की स्क्रीन को खोलते हैं, जो भी पहला हमें जो भी स्क्रीन पे दिखाई देता है वो BIOS है, ठीक। और ये होता है कब, रोम की मदद से। जब भी हम कंप्यूटर को स्विच ऑन करते हैं BIOS अपेयर होता है, तो वो क्या है हमारा, रोम के थ्रू आता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है EEPROM, ठीक। EEPROM क्या है, रोम का एक, मैंने बताया रोम का एक कैटेगरी है। हार्ड डिस्क हमने एक्सप्लेन कर लिया, रैम हमने एक्सप्लेन कर लिया, अब हम आगे देखते हैं। ये जो ये है मैग्नेटिक टेप, ये आगे मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 4, विद रिस्पेक्ट टू कंप्यूटर स्टोरेज डिवाइसेस, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर मैग्नेटिक स्टोरेज डिवाइसेस, इसमें से कौन सा मैग्नेटिक स्टोरेज डिवाइसेस है। अभी देखो, मैग्नेटिक स्टोरेज डिवाइसेस जो होता है वो होता है हमारा सेकेंडरी स्टोरेज, सेकेंडरी मेमोरी में आता है, ठीक है। अब ये जो मैग्नेटिक स्टोरेज डिवाइसेस है, ये दो टाइप के होते हैं। मैग्नेटिक स्टोरेज डिवाइसेस हमारे होते हैं
एक तो हो जाएगा हमारा मैग्नेटिक टेप, ठीक है, मैग्नेटिक टेप। मैग्नेटिक टेप के बाद में और क्या आता है हमारा? हार्ड डिस्क होता है। हार्ड डिस्क के बाद में आता है हमारा फ्लॉपी डिस्क, ठीक है, और दूसरा होता है हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क, ठीक। ये तीन तरह के मैग्नेटिक स्टोरेज डिवाइसेस होते हैं, तो इसमें से कौन सा मैग्नेटिक स्टोरेज डिवाइस है ये बताना है। तो सीडीआर नहीं है, सीडीआर हमारा ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइस है, डीवीडीआर भी हमारा ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइसेस है। क्यों ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइसेस ये क्यों है? क्योंकि ये लेज़र लाइट यूज़ करते हैं डेटा को फैच करने के लिए, ठीक है। ये फ्लैश मेमोरी स्टिक ये भी हमारा मैग्नेटिक स्टोरेज डिवाइस नहीं है। एक्सटर्नल एचएचडी, ओनली डी इज़ अ करेक्ट आंसर, आंसर नंबर 4 इज़ अ करेक्ट आंसर, ठीक। अब हम पढ़ते हैं कि सीडी क्या है। तो सीडी इज़ अ थिन सर्कुलर डिस्क अवेलेबल ऑफ स्टोरिंग लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा, ठीक है। यहाँ पे डेटा को स्टोर करने के लिए यूज़ होता है। ये ऑप्टिकल टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हैं टू बर्न द डेटा ऑन द डिस्क। बर्न मतलब होता है स्टोर, स्टोर करने के लिए डेटा को ये ऑप्टिकल टेक्नोलॉजी का यूज़ करता है, लेज़र लाइट का यूज़ करता है। यहाँ पे रेड बीम का यूज़ होता है, ठीक है। इट इज़ लीस्ट एक्सपेंसिव टाइप ऑफ ऑप्टिकल डिस्क, सबसे एक्सपेंसिव कम सस्ती है ये समझ लो। अभी तक जो ऑप्टिकल डिस्क हैं कितनी है? 4 है, सीडी है, डीवीडी है और ब्लू रे डिस्क है। सब हम एक्सप्लेनेशन देखेंगे सबका इसमें ही है वीडियो में। ये है माय सीडी। अब ये जो सीडी है इसको जब हम इसमें ये जो एरिया है ये इसको नीचे की तरफ रखा जाता है ना, तो इसमें से जो रेड लाइट्स निकलती हैं, रेड लेज़र बीम जो निकलती है, तो उसके थ्रू ही डेटा को प्रोवाइड कराता है, ठीक है। और इसके भी टाइप्स हैं, सी आर है, सी रोम है, सी आर डब्ल्यू है। तो हम सी डी आर पढ़ेंगे क्योंकि सी डी आर गिवन है हमें ऑप्शन में। सी डी आर इज़ अ ब्लैंक सी डी इन विच द डेटा कैन बी स्टोर वंस, आफ्टर स्टोरिंग डेटा इट इज़ कन्वर्टेड इंटू सी डी रोम। तो यहाँ पर सी डी आर का मतलब है सी डी कॉम्पैक्ट डिस्क रिकॉर्डेबल, ठीक है। यहाँ पे हम डिस्क को रिकॉर्ड कर सकते हैं और ऐसा हम एक ही बार कर सकते हैं, और जब ये एक बार में रिकॉर्ड हो जाता है तो ये सीडी रोम बन जाता है। यानी हम सिर्फ वहाँ पे डेटा को रीड कर सकते हैं, राइट नहीं कर सकते। ऐसा नहीं है कि हम मॉडिफाई कर सकते हैं, वहाँ पे हम मॉडिफाई नहीं कर सकते हैं। जो भी उसमें डल गया सीडी में ऑडियो, जो भी गाना डल गया, जो भी वीडियो डल गया, बस हमें वो देखना है, ठीक है। सी डी आर डेटा कैन नॉट बी रिटन ओवर, नहीं लिखा जा सकता। द एडवांटेज ऑफ सी डी आर इज दैट एनी वर्जन ऑफ सी डी प्लेयर्स ईदर ओल्ड कैन इजली बी रीड, कोई भी वर्जन हो ये आसानी से हम इसको रीड कर सकते हैं। नेक्स्ट डिजिटल वीडियो डिस्क। तो डिजिटल वीडियो डीवीडी है, डीवीडी को हम सुपर डेंसिटी डिस्क, डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क और डिजिटल वीडियो डिस्क भी बोलते हैं, ठीक है, डिजिटल वीडियो डिस्क भी बोलते हैं। इसमें जो स्टोरेज है वो सी डी से 20 गुना ज़्यादा है और ट्रांसफ़र रेट 15 गुना तेज़ है। इट कैन स्टोर सेवरल जीजाबाइट्स, इसमें कहाँ तक स्टोर कर सकते हैं? 4.7 GB टू 17.08 GB तक, और सीडी में हम कर सकते थे 700 MB तक, ठीक है। और इसके भी टाइप्स हैं CDRW, CDRW था हमारा ऑप्शन में, वो हम पढ़ेंगे। रीराइटेबल, यहाँ पर रीराइटेबल का मतलब ये है कि हम इसको दोबारा से लिख सकते हैं, यानी कि हम इसमें डिलीट कर सकते हैं जो भी डेटा है, और दोबारा से हम उसको स्टोर कर सकते हैं, उस डेटा को सेव कर सकते हैं, दोबारा से डिलीट कर सकते हैं, दोबारा से स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। ये सीडी डीवीडी है। क्वेश्चन नंबर 5, आइडेंटिफाई द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द फॉलोइंग स्टोरेज डिवाइसेस इन द डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ द इमर्जेंस। इसमें से कौन सा डिसेंडिंग ऑर्डर में हमें इसको करना है? जैसे सबसे पहले जो है जो फ्लॉपी डिस्क है डिसेंडिंग ऑर्डर में करना है, तो सबसे पहले हमारा आएगा डीवीडी, डीवीडी जो है उसका स्टोरेज ज़्यादा होता है, फिर आएगा हमारा इसके बाद डीवीडी के बाद आएगा हमारा सीडी रोम, इसका स्टोरेज से कम होता है, फिर उसके बाद आएगा हमारा फ्लॉपी डिस्क, ठीक है, इसका कम होता है। इसका जो फ्लॉपी डिस्क का जो स्टोरेज होता है वो 1.22 MB होता है। अब तो इसका यूजेज नहीं है, इसका बिल्कुल भी यूज़ नहीं किया जाता है। फिर इसके बाद आएगा मैग्नेटिक टेप, ठीक।
तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। अभी पढ़ते हैं मैग्नेटिक टेप क्या है। तो मैग्नेटिक टेप मैग्नेटिक स्टोरेज डिवाइस है, ये हम पढ़ चुके हैं पहले। आप मेड अप ऑफ प्लास्टिक थिंग टाइप मटेरियल टू स्टोर डेटा, ठीक है। अब ये जो है डेटा को स्टोर करने के लिए यूज़ होता है। ये देखो ये व्हील है, इस पर ये टेप है, ये जो टेप है यहाँ पर डेटा स्टोर होता है, ठीक, यहाँ डेटा स्टोर होता है। और जो यहाँ डेटा स्टोर होता है वो सिक्वेंशली स्टोर होता है। सिक्वेंशली यानी देखो ये टेप है, नंबर वन पे मैंने अगर कोई भी सॉन्ग किया है स्टोर, ठीक है, फिर नंबर टू पे मैंने दूसरा सॉन्ग स्टोर किया है, ठीक है, नंबर थ्री पे मैंने कोई और, नंबर फोर पे कोई और, नंबर फाइव पे कोई और। अब मुझे सुनना है फाइव वाला, ठीक, मुझे सुनना है फाइव वाला, लेकिन ज़बरदस्ती मुझे वन भी सुनना पड़ेगा, टू भी सुनना पड़ेगा, थ्री भी सुनना पड़ेगा, फोर भी सुनना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जो मेमोरी टेप है ये सिक्वेंशली डेटा को फैच करता है, ठीक है। पहले तो हमें एक नंबर वाला गाना भी सुनाएगा जो हमें नहीं सुनना है, नहीं मोड है, लेकिन तब भी सुनना पड़ेगा, दो वाला भी, तीन वाला भी, चार वाला भी, फिर आप कहीं जाके पांच वाला सुनेंगे। तो ये सिक्वेंशली डेटा को फैच करेगा और वो ऐसे ही इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराता है, ठीक। अब ये जो है इतना बड़ा ये प्लास्टिक्स का, ये इसका एक ये इसका कोटिंग है ताकि ये जो है ये सिक्योर रहे, ठीक है। डेटा कैन बी रीड एज वेल एज रिकॉर्डेड, यहाँ पे हम डिलीट करके दोबारा से रिकॉर्ड भी कर सकते हैं। इट हेल्ड मैक्सिमम डेटा, बहुत सारा डेटा आता है, बट सिक्वेंशली मैंने बता दिया सिक्वेंशली क्या है। डेटा रीड एंड राइट स्पीड इज स्लोवर है इसमें रीड और राइट स्पीड। क्यों? क्योंकि ये सिक्वेंशियल एक्सेस करता है, ठीक। नेक्स्ट फ्लॉपी डिस्क क्या है, ये स्टोर ये यूज़ किया जाता था पहले कंप्यूटर्स के बीच में इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज करने के लिए, लेकिन अब इसका यूज़ नहीं होता है। अब हम इसको पढ़ लेते हैं। इट कैन स्टोर स्मॉल अमाउंट ऑफ डेटा, इट इज़ स्लोअर टू एक्सेस देन हार्ड डिस्क, बहुत स्लो है ये, ठीक है। इट इज़ राउंड इन शेप, गोल होता है, एंड देन प्लास्टिक डिस्क कोटेड विद आयरन ऑक्साइड। इट इज़ रिमूवेबल फ्रॉम ड्राइव से हम इसको निकाल सकते हैं। IBM ने इसको प्रोड्यूस किया था 1972 और कुछ ऐसा दिखता है फ्लॉपी डिस्क। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सिक्स, मैच लिस्ट वन एंड लिस्ट टू इनपुट डिवाइस। वेरी वेरी देखो इजी क्वेश्चंस हैं, लेकिन कभी कभी कंफ्यूज कर देते हैं हमें। हमें तो लग रहा है कि ये हम कर सकते हैं बिना पढ़े भी, लेकिन बिना पढ़े नहीं हो सकता है ये। ICT को भी थोड़ी बहुत टाइमिंग की ज़रूरत है, आप इसे टाइम दीजिए। ये इजी तो है बट ये थोड़ा बेसिक है, तो बेसिक जानना ज़रूरी है तभी आप इसको सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, पॉइंटिंग डिवाइस, सेंसर डिवाइस, ये सब दे रखी है लिस्ट वन में। लिस्ट टू आपको मैच करना है। तो इनपुट डिवाइस इसमें से कौन सा है? इनपुट डिवाइस हमारा है इसमें स्कैनर, ठीक है। आउटपुट डिवाइस क्या है? आउटपुट डिवाइस हमारा इसमें स्पीकर हो गया, और पॉइंटिंग डिवाइस ये हुआ पॉइंटिंग डिवाइस ट्रैक बॉल, और सेंसर डिवाइस ट्रैफिक लाइट स्टिम्युलेटर। टू आंसर नंबर टू इज़ अ करेक्ट आंसर, ठीक। अगर आपको ये एक्सप्लेन वीडियो चाहिए इसकी, आउटपुट डिवाइस इनपुट डिवाइस, तो ये मैं ऐसा सॉफ्टवेयर हार्डवेयर वाला जो वीडियो है वो मैं जल्द अपलोड कर दूंगी। आप सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को ताकि आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए। लिस्ट क्वेश्चन नंबर सेवन, लिस्ट वन एंड लिस्ट टू को मैच करना है। यहाँ पे एक लिस्ट वन में मेमोरी डिवाइस है, दूसरे में मेमोरी टाइप है। तो मेन मेमोरी क्या है? आई होप अभी तक अगर आपने पहली बार मेरी ये वाली वीडियो देख रहे हैं, इसके अलावा आपने पिछली वीडियोज़ नहीं देखी, तो शायद आपको अभी तक क्लियर हो गया होगा कि मेन मेमोरी क्या है, सेकेंडरी मेमोरी क्या है, ठीक है। तो मेन मेमोरी में हमारे क्या आता है? मेन मेमोरी में आता है, मेन मेमोरी में आता है ये डायनेमिक DRM, ठीक है। फिर कैश में हमारे क्या आता है? कैश मेमोरी में आता है SRM। हार्ड डिस्क मैंने क्या बताया था कि ये जो है ये मैग्नेटिक टाइप है, और CD-ROM हमारा ऑप्टिकल मेमोरी है, ऑप्टिकल मेमोरी स्टोरेज डिवाइस है। तो आंसर नंबर टू इज़ अ करेक्ट आंसर। अब हम पढ़ते हैं कैश मेमोरी क्या है। तो कैश मेमोरी, कैश बेसिकली एक बफर स्टोरेज है जहाँ पे डेटा स्टोर होता है कुछ समय के लिए। मैं बता देती हूँ यहाँ पे डीपली, देखो इट इज़ अ स्टोरेज बफर दैट स्टोर्स अ डेटा विच इज़ मोर ऑफन टेम्परली एंड मेक्स देम अवेलेबल टू द CPU एट अ फास्टर रेट। देखो CPU
सीपीयू और रैम के बीच में है कैश। ठीक, अब मैं इसको बताती हूँ सही से। सीपीयू को कोई भी डेटा चाहिए, कोई भी डेटा, ठीक है, तो सबसे पहले सीपीयू क्या करेगा, कैश को चेक करेगा कि कैश में वो डेटा है या नहीं है। अगर कैश के पास वो डेटा है तो वो डेटा कैश से ले लेगा, रैम तक जाने की उसको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। लेकिन अगर कैश के पास वो डेटा नहीं है तो फिर उस केस में सीपीयू रैम के पास जाएगा, रैम से वो डेटा लेगा। जब रैम से वो डेटा लेगा तो वो देखो सीपीयू तक पहुंचने में बीच में क्या आ रहा है, कैश आ रहा है, तो वो डेटा कैश में स्टोर हो जाएगा, ठीक है। यानी अगली बार अगर सीपीयू को वही पर्टिकुलर डेटा चाहिए तो वो कैश से ले ले, उसको रैम तक जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक। और ये जो कैश है, ये जो टाइम लगाता है डेटा को फैच करने के लिए, ये 45 नैनो सेकेंड का लगाता है, और ये जो रैम है ये 180 नैनो सेकेंड का लगाता है, ठीक है। तो टाइम भी बच रहा है और सीपीयू कैश से डेटा ले लेगा, ठीक। इट इज़ वेरी हाई स्पीड मेमोरी। हाई स्पीड मेमोरी क्यों है, क्योंकि 45 नैनो सेकेंड में ये डेटा को दे देता है, प्रोवाइड करा देता है। इनक्रीज स्पीड ऑफ प्रोसेसिंग, प्रोसेसिंग की स्पीड बढ़ाता है। एक्सपेंसिव है लेकिन छोटा है साइज़ में। कंप्यूटर हैव कैश मेमोरी ऑफ कितने की होती है, 256 KB टू 2 MB तक। क्वेश्चन नंबर 8, अब इसको मैच करना है पेन ड्राइव। पेन ड्राइव तो किस मेमोरी में आता है, फ्लैश मेमोरी में आता है। फ्लैश मेमोरी क्या होती है हमारी, कि डेटा परमानेंटली स्टोर रहता है और वो डिलीट नहीं होता। ये जो पेन ड्राइव है इसको हम थंब ड्राइव भी कहते हैं, USB फ्लैश ड्राइव भी कहते हैं, तो ये, और इसको हम फ्लैश ड्राइव भी कहते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर है ए का सेकेंड। हार्ड ड्राइव यहाँ पर हमारा क्या है, मैग्नेटिक मेमोरी है, बी का थर्ड। सीडी रोम हमारा क्या है, सीडी रोम हमारा ऑप्टिकल मेमोरी, सी का ए, और रैम हमारा है फोर्थ, वोलेटाइल मेमोरी। तो आंसर जो इसका है वो आंसर नंबर 1 इज़ अ करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9, इसको भी मैच करना है। तो कैश मेमोरी देखो, मैच द फॉलोइंग ज़्यादा है इसमें, ठीक है। तो कैश मेमोरी हमारा क्या है, भी हमने पढ़ा, हाई स्पीड इंटीग्रेटेड सर्किट है, ठीक है। मेन मेमोरी हमारे क्या है, DRAM है। ये सब मैंने एक्सप्लेन कर रखा है पिछली वीडियोस में, आप उसको चेकआउट कर लीजिएगा। हार्ड डिस्क का हमारा क्या है, मैग्नेटिक सरफेस, सी, और सीडी रोम लेज़र डिस्क, ठीक। तो ये इसका आंसर जो हुआ, आंसर नंबर 3 हुआ। क्वेश्चन नंबर 10, अरेंज द फॉलोइंग ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइसेस इन डिक्रीजिंग ऑर्डर, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर स्टोरेज कैपेसिटी। यानी जितने उनकी कैपेसिटी के हिसाब से इसको डिक्रीजिंग ऑर्डर में करना, यानी सबसे ज़्यादा कैपेसिटी किस यहाँ पे किस डिवाइस की है, DVD, CD ROM, Blu-ray। तो सबसे ज़्यादा Blu-ray की है। Blu-ray हमारा ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइस है जो कि CD की तरह दिखता है, लेकिन ये होता है ब्लू इन कलर, ठीक है। ये जो ब्लू इन कलर होता है, ये हम इसको अभी आगे पढ़ लेते हैं। तो इस ये जो स्टोर करता है, इसमें स्टोरेज आपको 400 GB तक मिल जाती है। सिंगल लेयर, डबल लेयर, ट्रिपल लेयर, हर लेयर में ये अवेलेबल होता है। जितनी जितनी लेयर होती है उतनी इनकी स्टोरेज होती है, ठीक है। तो सबसे पहले आता है हमारा ब्लू रे डिस्क, फिर उसके बाद में आता है हमारा DVD, फिर आता है CD ROM। तो CAB इज़ द करेक्ट ऑप्शंस, आर द करेक्ट ऑप्शंस। तो आंसर नंबर 2 इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो अब हम इसको पढ़ लेते हैं, ब्लू रे डिस्क क्या है। तो ब्लू रे डिस्क जो है, इज़ ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइस मीडियम एक्सचेंज टू रिकैप्चर द डेटा नॉर्मली इन DVD फॉर्मेट में, ये हमें दिखाता है। इट कंटेन्स 25 GB लेयर पर लेयर स्पेस, 25 GB ये हर लेयर में इसका होता है। इट रेफर्स टू द ब्लू लेज़र यूज। हाँ देखो, CD और DVD में रेड लेज़र बीम यूज़ होती थी, लेकिन इसमें ब्लू लेज़र यूज़ होती है, इसलिए इसका नाम ब्लू रे डिस्क है। और टू बी स्टोर एट अ ग्रेटर डेंसिटी, वेवलेंथ इसकी ज़्यादा डेंसिटी होती है इसकी। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि ये जो है हाई डेफिनेशन ऑडियो वीडियो के लिए होता है, जो आजकल चल रहे हैं HD फॉर्मेट में, हमें दिखाता है, ठीक है। और ये 5 गुना ज़्यादा डेटा स्टोर कर सकता है इन अ सिंगल लेयर देन DVD। सिंगल लेयर की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है। तो ये वीडियो अभी यहाँ पर कंप्लीट हो चुकी है। क्योंकि अगर मैं पूरे 300 questions इसमें डाल दी तो ये बहुत लेंदी हो जाती, तो इसके पार्ट्स आते रहेंगे। आप उस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्दी ही मिल जाए और आप प्रिपरेशन कर सकें, इसको रिवीजन भी कह सकते हैं, रिवाइज भी कर सकते हैं, ठीक है।